अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। आपको खरीदना है ये कोर्स दोस्तों, 4000 रुपए का है पूरा कंप्लीट, आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है ये। आपको लाइव क्लास के माध्यम से लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है, आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2400 रुपए का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा, आपको 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है, ठीक है, जेल प्रहरी वीडियो लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है और वहां पर आपको कूपन कोड जो है SELF SC40, ठीक है, SELF SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 2400 रुपए का। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो छंद से संबंधित है। हमारे बहुत सारे प्रिय दोस्तों ने बोला कि सर छंद का वीडियो लाएं, तो हम छंद का वीडियो आपको आज पूरे छंद जो है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। निश्चित ही आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आपने छंद के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन जब छंद को आप पढ़ते हैं तो छंद का बेसिक तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत आपके लिए जानने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। छंद के जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं छंद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्णों या मात्राओं की गणना क्रम गति लय तुक आदि के विशेष नियमों से आबद्ध रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं, ठीक है, सभी को पता है ये चीज, ठीक है। और छंद जो है चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, चार प्रकार के। सबसे पहले हम क्या पढ़ते थे, छंद दो प्रकार के, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद पढ़ लेते थे। फिर उभय छंद की वर्ण तीन प्रकार के, मुक्त छंद। तो ये चार प्रकार के छंद होते हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद, ये चीज याद रखनी। लेकिन ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूछा भी जाता है तो ऑप्शन में अगर चार है तो अपन को चार टिक करना है, ठीक है। वैसे कई विद्वानों ने अलग अलग माने हैं, कोई विद्वान दो मानते हैं, कोई तीन छंद मानते हैं, कोई कोई चार मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार छंद के नाम हमने आपको बता दिए कि वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद, ठीक है। तो ये चार प्रकार के होते हैं। अब हम देखें कि छंद को हमें कैसे पहचानना है। सबसे पहले तो आपको क्या सीखना है, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, ठीक है, ये देखना है। तो मात्राएं देखें कि यहाँ पर ए बा दिया है और ऊपर बिंदी दी है, मतलब इसकी हम कितनी मात्राएं गिनेंगे, दो मात्राएं गिनेंगे, ठीक है। जिस भी शब्द में ऊपर अम्म की बिंदी दी है मतलब उसमें क्या हो जाएंगी, दो मात्राएं, और बिंदी नहीं दी है तो एक मात्रा है। जैसे यहाँ पर आगे देखें कि दा है, दा की हम एक मात्रा गिन रहे हैं और चंद्र बिंदी की हम एक ही गिनेंगे, बिंदी अकेली दी है अम की बिंदी तो दो गिनेंगे, चंद्र बिंदी दी है तो एक एक गिनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें गिनना है। फिर यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा दी है तो एक गिनेंगे, बड़े छोटे ऊ की फिर दी है तब भी एक गिनेंगे, है ना। फिर पा छोटा है तो एक गिनेंगे, दा छोटा है तो एक गिनेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पा छोटा है तो एक, दा में छोटे ऊ की है तो एक, माँ है तो एक गिनेंगे। इसी प्रकार से पा में छोटा पा है तो एक, पा में आ की मात्रा है तो दो, और गा में आ की मात्रा है तो दो मात्राएं गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि हमें मात्राएं गिनना सीखनी है। पहले तो सबसे पहले मात्राएं गिननी आनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे रखी है, छोटे ई की एक मात्रा होती है, बड़े ई की दो मात्रा होती है, ए की दो मात्राएं होती, आई की दो होती है, ओ की दो मात्राएं होती हैं, औ की दो मात्राएं होती, छोटे ओ की एक मात्रा होती है, बड़े ओ की दो होती है, ठीक है। अम्म की दो मात्राएं मानी जाती हैं, ठीक है। जैसे
बा में अम लगा है ना, इस प्रकार से अम की बिंदी है, तो यहाँ पर दो हो जाएंगी, इस प्रकार से देखना है। ठीक है, किसी ना किसी शब्द पर तो अम की बिंदी जरूर लगी होगी, तो एक मात्रा जे और एक मिलके जो दो मात्राएं हो जाती, तो अम की हम सीधी दो मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो मात्राएं हो जाएंगी, और जो चंद्रबिंदी अगर लगी हो तो एक मात्रा गिनेगी। जैसे यहाँ पर इंदौर लिखा है, तो यहाँ पर हम आधा ना दा के मतलब पहले आधा ना है और जे, तो इसकी हम दो ही गिनेंगे, है ना। यहाँ पर हमें तीन नहीं गिनना, यहाँ पर हम दो ही गिनेंगे। और यहाँ पर ई है तो सॉरी, जैसे हम यहाँ जो है आधा ना दिया है, तो इस शब्द के पहले हम इसकी दो मात्राएं गिन रही, आधे ना की और ई की, तो इसकी दो मात्राएं गिन रही, और इसमें तो औ की मात्रा है ही, तो दो मात्राएं गिन रहे, और रा छोटा है तो एक मात्राएं गिन रहा है। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द आता है तो उसके पहले वाले शब्द में हम कितने गिनते हैं, दो मात्राएं गिनते हैं। तो ये चीज आपको याद रख लेना है कि किसी भी शब्द के बाद में अगर आधा शब्द आता है तो उसके पहले वाले शब्द की दो मात्राएं गिनी जाती हैं, ये चीज आपको याद रख लेनी है। या फिर अम की बिंदी अगर लगी है किसी शब्द में तब भी हम दो ही मात्राएं गिनेंगे। तो यहाँ पर हम मात्राएं गिनना सीख गए। अब देखें चरण, चरण क्या होते हैं इसमें, चरण देखना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सुन, सब सुन पानी गए न उबरे मोतीमन, तो इसमें ये चरण होते हैं, ये प्रथम चरण होगा, ये द्वितीय चरण होगा, ये तृतीय चरण होगा, और ये चतुर्थ चरण होगा, है ना। चार चरण होते हैं, हम गिनते हैं कि चार चरण होते हैं, किसी में छह चरण होते हैं, और ये जो पूरी पंक्ति है ये एक दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दल, जैसे ये पूरा दल कहलाएगा, और इसके ये क्या कहेंगे, ये चरण कहलाएंगे। अब जो यति लगी है ये क्या कहलाएगी, यति, ये कहलाएगी यति गति, हमने यहाँ पर छंद में पढ़े हैं। तो इतनी चीज आपको पहली समझ लेनी है, वो हमने समझा दी है। यहाँ पर भी अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम मात्रक छंद के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मात्रक छंद में भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कि सम मात्रक छंद होते हैं, अर्ध सम मात्रक छंद होते हैं, और विषम मात्रक छंद होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम सम मात्रक छंद जितने भी हैं उनको क्रम से देखेंगे। सम मात्रक छंद में अब जैसे हरिगीति का छंद यहाँ पर दिया, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना हरिगीति के छंद में। इसमें देखना है कि इसमें 28 मात्राएं होती हैं, 16 बारह पर यति होती है, और ये सम मात्रक छंद है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हरिगीति का किस प्रकार का छंद है, सम मात्रक दिया जाता है, विषम मात्रक दिया जाता है, अर्ध सम मात्रक दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के चार विकल्प दिए जाते हैं। तो आपको याद करना है कि हरिगीति का जो है ये कैसा छंद है, सम मात्रक छंद है। कभी कभी मात्राएं पूछ लिया हरिगीति का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 28 मात्राएं होती हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। एक चीज और हम इसकी ट्रिक बता रहे हैं, जो गीति का छंद होता है वो भी सम मात्रक है, उसमें 26 होती हैं। अब हरि और जुड़ गया, दो मात्राएं और जुड़ गई, तो हरिगीति का हो गई, गीति का में 26 और हरिगीति का में 28। इनको दोनों को याद करने की एक छोटी सी एक हमारा तरीका है, तो इनको याद कर लें। 16 12 पर क्या होती है, यति होती है, ये चीज आपको याद रखनी। तो हरिगीति का में सिर्फ इतना गिनना है। अब आपको देखना कि मात्राएं गिनना आप सीख गए, मात्राएं गिन लेंगे, 28 मात्राएं होती हैं हरिगीति का में, हमने मात्राएं गिन ली, 16 12 पर यति होती है, सम मात्रक छंद है, यहां से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। चौपाई की बात करें तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। अब चौपाई को कैसे याद रखें, चौपाई मतलब क्या होता है, चार। अब चार का वर्ग कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 16। तो इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है, 16 मात्राएं हो जाएंगी प्रत्येक चरण में, और ये कैसा छंद है, सममात्रक छंद है, ठीक है। तो चौपाई भी आपको क्लियर हो गई। गीतिका की मैंने पहले ही बता दी, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। अब जैसे गीतिका कोई लड़की का नाम है, तो गीतिका 26 साल की हो गई, तो 26 ऐसे याद कर लो कि गीतिका जो है वो 26 साल की, मतलब इसमें 26 मात्राएं होती हैं, और इसमें हरि और मिला दिया तो दो मात्राएं और बढ़ जाएंगी, तो हरि गीतिका हो जाएगी, हरि गीतिका में 28 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा ट्रिक लगा के थोड़ा सा तरीका बना के याद भी कर लेना है। 14 12 पर इस पर रहती होती है, ये भी याद करना है, ठीक है। हरि गीतिका में 16 12 पर होती है, गीतिका में 14 12 पर होती है, और यह जो क्या है, सममात्रक छंद है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा छंद में, और छंद के जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं वो हम अगले वीडियो में पूरे छंद के वीडियो आपको छंद के प्रश्न करवाएंगे, ठीक है। ये मात्रक छंद है। नेक्स्ट हमारा वर्णक छंद आएगा, है ना, वो भी हम आपको बताएंगे। अब रोला छंद की बात करें तो रोला में क्या होती है, 24 मात्राएं होती हैं, 11 13 पर क्या होती है, यति होती है, और यह जो है सम मात्रक छंद है, और इसमें कितने पद होते हैं, चार पद होते हैं, ये चीज आपको याद रख लेनी है। रोला सम मात्रक छंद है, 24 मात्राएं होती हैं, 11 13 पर यति होती है, और सम मात्रक छंद है, ये चीज बस आपको नोट करना है, और इसकी मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आपको याद करने में थोड़ा सा सरल हो जाएंगे, और फिर आप छंद कभी गलत करके नहीं आएंगे।
उल्लाला की बात करें तो उल्लाला में भी 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब याद अपन को कैसे इसमें देखना है, सर आपने बोला था कि हरिगीतिका में भी 28 होती हैं, लेकिन हरिगीतिका में 16-12 प्रहति होती है और यहाँ पर 15-13 प्रहति होती है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। ठीक है, हरिगीतिका और उल्लाला में, ठीक है, और ये भी सममात्रिक छंद ही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है दोहा। दोहा की बात करें तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं और 13-11 पर रहति होती है। हमने क्या पढ़ा था, रोला, रोला में क्या हो रही थी, 11-13 पर रहती हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर रोला पढ़ा था, रोला में क्या हो रहा था कि 11-13 पर रहती हो रही थी और इसमें 13-11 पर रहती होती है दोहा में। और ये कैसा छंद है, सब अर्ध सममात्रिक। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है, तो दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है दोस्तों, और 24 मात्राएं होती हैं, 13-11 पर रहती होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें सोरठा की, तो सोरठा में भी 24 मात्राएं होती है। ठीक है, और 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर रहती होती है और यह अर्ध सममात्रिक है और यह दोहा का विलोम माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा छंद दोहा का विलोम माना जाता है, तो सोरठा, सोरठा छंद, ये क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। सोरठा छंद जो है वो दोहा का विलोम माना जाता है और ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये भी याद रखनी है, और 24 मात्राएं होती हैं, 11-13 पर इसमें यति होती है, इसको याद रखना है। बरबे की बात करें तो बरबे जो होता है इसमें 19 मात्राएं होती हैं दोस्तों, 12-7 पर यति होती है, कितने पर, 12-7 पर यति होती है और अर्ध सममात्रिक छंद है बरबे। ठीक है, तो अपन को मात्राएं याद करना है, यति याद कर लो, ये किस प्रकार का छंद है ए प्रकार से याद कर लो, इसलिए मैंने पहले सममात्रिक रखा, तो आप पहले एक बार में सममात्रिक पूरे याद कर लें कौन कौन से सममात्रिक हैं, फिर अर्ध सममात्रिक रखा तो अर्ध सममात्रिक याद रख लें। ठीक है, आपका होना चाहिए, तो ये चीज हमें याद हो जाएगी। अब बात करें छप्पय छंद, छप्पय में क्या होता है कि 6 चरण होते हैं, 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रथम जो 4 चरण होंगे वो काय के होंगे, रोला के, 2 चरण होंगे उल्लाला के, और हमने रोला की मात्राएं पढ़ी उल्लाला की भी मात्राएं पढ़ी, तो इससे आप जान जाएंगे। और यह जो है विषम मात्रक छंद भी होता है छप्पय छंद, तो याद रख लेना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से छंद में 4 चरण, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, तो वो छप्पय छंद है जिसमें 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के होते हैं, और यह विषम छंद होता है और 6 चरण इसके होते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि 4 चरण रोला, तो रोला की हमें मात्राएं याद होनी चाहिए, 2 चरण उल्लाला, तो उल्लाला की हमें मात्राएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको आपको याद करनी है। नेक्स्ट है कुंडलियां, कुंडलियां पूछा जाता है 6 चरण होते हैं, काय के कुंडलियों में भी 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रथम 2 चरण होते हैं दोहा के और बाद के 4 चरण होते हैं रोला के, इसमें तो ये भी आपको याद रखनी, प्रथम 2 चरण दोहा, बाद के 4 चरण रोला के, और ये विषम मात्रक छंद है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो पहचान है इसकी, कि इसमें जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द से इसका अंत होगा, कुंडलियां, अब आपको कुछ नहीं देखना, इसकी यही पहचान है। कुंडलियां में क्या होता है, यह जिस भी शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से उसकी समाप्ति भी होती है। ठीक है, तो इसकी पहचान भी हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके विवरण में, हरिगीतिका के कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया है कि संसार की समर स्थिति में वीरता धारण करो, चलते हुए निज निज इष्ट पर संकटों से मत डरो। ठीक है, तो यहाँ पर संसार में हमने देखा कि हमने बिंदी देखा था, तो यहाँ पर 2 मात्राएं ली, सा में बड़ा सा है तो 2 मात्राएं ली, रा है तो 1 मात्राएं ली, सा में बड़ी की तो 2 ली, है ना, सा है तो 1, मा है तो 1, रा है तो 1, अब यहाँ पर आधा सा और था मिल के क्या कितनी हो जाएंगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी, और ली का 1 मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से सा में 1 मात्रा होगी, मा में 1 मात्रा होगी, है ना, और यहाँ पर रा जो है इसमें 2 मात्राएं हो जाएंगी, है ना, आधा शब्द है तो आगे वाले शब्द की कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं, फिर था में 1 मात्रा हो जाएगी, ली में 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, मैं 2 मात्राएं, बड़ी बी में, है ना, तो 2 मात्राएं, रा में 1 मात्रा, ता में 2 मात्राएं, फिर धा में 2 मात्राएं, रा में 1 मात्रा, ड़ा में 1 मात्रा, का में 1 मात्रा और बड़े रा में औ की तो 2 मात्राएं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और अगर इनकी गिनती की तो 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 2, 11, 12, 13, 14, है ना, 15, 16,
तो ये 16 का क्या हो गई, यति हो गई। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 2 28 हो गई, है ना। तो इसमें 28 मात्राएं हो गई और 16 और 12 पर इस पे यति हो गई इस प्रकार से। और यहाँ पर देखें तो 2 और 2 4, 5, 2 7, अब तो आप खुद गिन सकते हैं और गिनना सीख भी गए होंगे कि किस मात्रा की कौन सी क्या होती है, कितनी मात्राएं बनती हैं कितने, है ना। इस प्रकार से आप भी गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण इसीलिए दिया था कि आपसे थोड़ा सा गिनने भी गिनते भी बन जाए, है ना। चौपाई की बात करें तो 16 मात्रा प्रत्यक्ष, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो जय में एक एक मात्रा जय हो जाएगी, एक दो दो इसकी हो जाएंगी, एक हो जाएगी, है ना, दो एक एक एक, दो एक एक, इस प्रकार से आपको गिन लेना है, ठीक है। दोहा की बात करें तो दोहा में यही नंदक नीर राखी आंगन कुटी छवा, इसमें दो दो मात्राएं इसमें हो जाएंगी क्योंकि इसमें छोटी की तो लगी है लेकिन ऊपर क्या है, अम की बिंदी है, तो दो मात्राएं, एक मात्रा एक 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 दो हो जाएंगी, दो एक दो, दो एक एक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या हो गए, अब मात्राएं गिनना सीख गए। अब आपको टेंशन नहीं, आपको क्या याद करना है, अब मात्राएं जब आपको ज्ञान गिनना सीख गए तो अब आपको याद करना है कि कितनी मात्राएं किसमें होती है, किस पर कितनी यति होती है, कौन सा किस प्रकार का छंद है, यही चीज रह जाती है। और छंद में ज्यादा आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भारी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे छोटा में है और छोटा में ये दिए हैं, उदाहरण दिए हैं इसमें भी, है ना। तो इसकी मैं PDF आपको दे दूंगा, ये उदाहरण इसीलिए दिए थे कि आप थोड़ा सा समझ जाए, गिनना सीख जाए, किसकी कौन सी मात्रा बनती है वो भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इसकी PDF आप देख लेना और कर लेना, और आपको कमेंट में अब बताना है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, हमने पढ़ लिया है, आप कमेंट में बताएंगे दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा का उल्टा छंद कौन सा है ना, दोहा कैसा छंद है, सम्मात्रक है अर्ध सम्मात्रक, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी में कितने में कौन सा छंद है, ठीक है। यहाँ पर शक्कर वाला सा आएगा, जे वाला, है ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सी छंद है। ये 5 प्रश्न दिए हैं, सभी जितने भाई देख रहे हैं, जितनी बहनें देख रही हैं, सभी के लिए कमेंट के माध्यम से 5ों के उत्तर हमें चाहिए। और इस छंद का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, एक थोड़ा सा तरीका है, सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बतानी। अब देखो छंद कोई बड़ी चीज नहीं है, आप छंद पढ़ते हैं आपको लगता है कि कौन क्या कैसे गिनेंगे जे गिनेंगे, आपको सबसे पहले मात्राएं गिननी आनी चाहिए। मैंने बता दी है कि मात्राएं किस प्रकार से गिनी जाती हैं, है ना, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। उसके बाद हमें देखना है कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं वो हमें याद रखनी है, कौन सा छंद किस प्रकार का छंद है, अर्ध साम मात्रक है मात्रक है, और जितना मैंने बताया इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर पूछा भी जाएगा तो हम आपको अगले वाले वीडियो में और भी जितने भी क्वेश्चन, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो सारे के सारे बता देंगे, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। तो मात्रक छंद यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है इस छंद में, इन छंदों में कहीं भी आपको लगता है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। और हमारे बहुत सारे जो भाई हैं वो लगातार कमेंट के माध्यम से कर रहे थे कि सर छंद का वीडियो बनाएं, तो छंद मात्रक छंद यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगला वीडियो या तो छंद से संबंधित प्रश्नों का होगा या फिर वर्णिक छंद से संबंधित होगा, तो है ना। ये चीज बिल्कुल की आसान सी ट्रिक है, आसान सा मतलब ये है कि तरीका कि हम इसको सीख जाएंगे, हमें नहीं लगता कि अब किसी से छंद नहीं बनेगा, है ना। और अगर जिससे नहीं बनता अभी भी समझ में कोई डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जो भी वीडियो डल रहे हैं, जो भी कमेंट आता है, मैं उसका उत्तर देने का जरूर प्रयास करता हूँ ढूंढकर। अगर हमसे नहीं भी बनता है तो हम कहीं से ना कहीं से ढूंढकर आपको उसके बारे में उत्तर देने का प्रयास करते हैं, डिस्कस करके उत्तर जरूर आप तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से आप जुड़े रहें चैनल पर, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और छंद अब अलंकार भी आने वाले हैं हमारे, हमने काव्य शास्त्र में छंद थे, फिर अलंकार और रस, ये काव्य शास्त्र से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। रस संप्रदाय, तो रस के तो मैंने कुछ प्रश्न जो है 90 प्रश्न डाल के रखे हैं, उनको भी आप देख लें, और रस से संबंधित ज्यादा जो भी क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं जो जिस प्रकार से बनते हैं, तो उनके वीडियो आप देखें। और ये छंद का वीडियो मात्रक छंद का होगा, वर्णिक छंद का रह गया, तो देखा मैं आगे आने वाले जो वीडियो है उसमें छंद आएगा, वर्णिक छंद और अलंकार भी आएंगे। अलंकार को जब हम आप उसको समझाएंगे तो एक बार में आपको अलंकार भी समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है अलंकार और छंद, इनको सिर्फ हुआ बना लिया जाता है कि छंद हमसे नहीं बनता। छंद में आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको मात्राएं गिननी है, बाकी और
यति गति सति ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। अपन को तो थोड़ा सा पता ही है कि कितने में कौन से छंद में कहाँ पर यति होती है, कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया, और इससे ज्यादा इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से दिया, आप निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को, कुछ है हमारे मित्रों की शिकायत आई थी कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता जी, अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत होगी, तो आपको बेल आइकन को दबा देना है, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा, आप वीडियो देख सकेंगे, आने वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, संधि का भी मैं अच्छे से ट्रिक आपको समझाऊंगा, समास के भी बहुत अच्छे से बताऊंगा कि समास किस प्रकार से पहचाना जाता है, संधि किस प्रकार से पहचानी जाती है, ठीक है। सारी की सारी अब व्याकरण का सीरीज जो है चालू होने वाला है, क्योंकि हिंदी साहित्य के तो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध करा रखे हैं, और अभी दिल्ली से एक जन ने व्हाट्सएप पे बात की, निगम सिंह ने, है ना, निगम सिंह ने बात की और उन्होंने बताया कि सर जो हिमाचल प्रदेश या हरियाणा कौन से उसकी जो परीक्षा हुई थी अभी प्रोफेसर की, उसमें आपने जो वीडियो डाली उसमें लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए, तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो। फिर उन्होंने कहा कि सर आप पीडीएफ दे दो, तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देता हूँ सभी को, व्हाट्सएप पर भी पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैं अभी 2-4 दिन में डाल दूंगा सारे वीडियो में, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहे हैं, और पूरे आप बिल्कुल दिल से तैयारी करें, पूरा साथ देने के लिए आपको तैयार हूँ, चाहे आप पीएससी वाले हों, चाहे पीएर अपने पीजीटी वाले हों, नेट वाले हों, जो भी हो, हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित, और भी जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।